जो सब ऑर्बिटल है वो तमाम एलिमेंट्स के पास सेम रहेगा, जो सब ऑर्बिटल है वो तमाम एलिमेंट्स के पास सेम रहेगा, जो सब जो शेल्स हैं वो डिफरेंट होंगे, सब ऑर्बिटल सेम रहेगा और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा और सब ऑर्बिटल सेम रहेगा, वैलेंस शेल के एल एम एन ओ पी क्यू ये चेंज होंगे, लेकिन जो सब शेल्स हैं या सब ऑर्बिटल्स हैं ये सेम रहेंगे और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे। अब अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं लिथियम, तो लिथियम वन ए ग्रुप में है, लिथियम वन ये जो एन आप देख रहे हैं बेटा एन ये शो करता है पीरियड को। अब मैंने आपसे क्या कहा, गौर से मेरी बात सुनो, फिर यहाँ पे आपको लिखकर समझा रहा हूँ, गौर से मेरी बात सुनो बेटा। मैंने आपसे क्या कहा, जब आप ग्रुप में टॉप से बॉटम नीचे आते हैं तो वैलेंस शेल डिफरेंट होंगे, सब ऑर्बिटल या सब शेल सेम होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा, बट टॉप से बॉटम पीरियड चेंज हो रहे हैं। अब जरा गौर से मेरी बात सुनो बेटा, वैलेंस लिथियम कहां बिलोंग करता है, वन ए ग्रुप, तो इसके पास क्या आ जाएगा एस वन, सेकेंड पीरियड हो जाएगा टू एस वन, इसका आखिरी जो कॉन्फ़िगरेशन जहां पर एंड होगी वो जाएगा टू एस वन। इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ सोडियम की, तो सोडियम थर्ड पीरियड से आएगा थ्री हो जाएगा, एस में है इसका आखिरी क्या हो जाएगा एस और क्या आ जाएगा वन आ जाएगा। पोटेशियम की अगर मैं बात करूं तो पोटेशियम फोर्थ पीरियड तो फोर एस वन, इस तरह आप कंटिन्यू जाते जाएंगे, तो लिथियम सोडियम पोटेशियम, इसके बाद रुबेडियम, रुबेडियम फिफ्थ पीरियड से है तो हो जाएगा फाइव एस वन, इसके बाद सीजियम है तो हो जाएगा सिक्स एस वन, इसके बाद फ्रेंशियम है तो हो जाएगा सेवन एस वन। ये टॉप टू बॉटम पीरियड में होगा, जैसे पहला एलिमेंट इसकी कॉन्फ़िगरेशन एस वन पर कंप्लीट हो रही है तो तमाम एलिमेंट्स की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एस वन पर होगी, जो टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन नजर आ रहे हैं ये पीरियड चेंज हो रहा है, लिथियम सेकंड पीरियड, सोडियम थर्ड पीरियड, पोटेशियम फोर्थ पीरियड, रुबेडियम जो है फिफ्थ पीरियड, सीजियम सिक्स और फ्रेंशियम सेवन पीरियड। तो कॉमन जो चीजें हैं बेटा वो क्या हो जाएंगी, कॉमन चीजें कि इसका सब ऑर्बिटल और सब शेल ये सेम रहेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, किसी भी ग्रुप की बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, वैलेंस शेल जो है वो सेम रहेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, वैलेंस शेल जो है वो इनका जो है वो चेंज होता जाएगा, तो इसको आप जरा ध्यान में रखिएगा। अब इन तमाम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये इन सब के सेम रहेंगे, सब शेल इनका सेम रहेगा, लेकिन इनकी जो शेल्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है बेटा, इसको ध्यान रखिए। इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स चेंज रेगुलरली डाउन द ग्रुप, जिस तरह पीरियड में एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी चेंज होती है इसी तरीके से ग्रुप में भी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी। ग्रुप के अंदर खास बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, कि ग्रुप में केमिक